जाऊंगा मैं तो मुझे वहाँ बिल्कुल कायदे से मुझे मजार तक पहुंचने के बाद सुरंगी है ना वहाँ से टर्न होना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीच में आते उनको चाहिए कोई ऐसा रूट बनाए फैसिलिटी दें, तो अब क्या करें। दुनिया भर में इसी तरीके से लॉन्ग रूट जो है आगे आगे जाके कट्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, पर एक जब ये रूटीन बना ली यहाँ पे बाजू पास एंजल्स भी खड़ी होती है, पुलिस भी खड़े होते हैं, ये उनके गाइडेंस में भी होना चाहिए ना। जब उनके सामने सब कुछ हो रहा है जबकि रोकने वाला नहीं है तो फिर हर बंदा जाएगा। मैंने भी देखा बॉस तुम यहाँ से आ रहे थे रॉन्ग, जबकि ये जाने की जगह है। आगे तो कट नहीं है, बहुत दूर से आगे टर्न करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ से रॉन्ग होता है। इस रॉन्ग कट से सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? हमें ही नुकसान है, लेकिन क्या करें, फ्यूल की भी बचत है इसमें, रिस्क तो लेना पड़ता है लेकिन बस मजबूरी एक तरीके से। पुलिस वालों की बहुत शिकायत है, वो बार बार तंग करते हैं और चलान काट देते हैं, पैसे लेते हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक चलान के ऊपर हम दूसरा चलान कटवाते हैं, वो होशियार बनते हैं तो हम भी होशियार बन जाते हैं। अच्छा, वो कैसे कटवाते हैं? दूसरा चलान कटवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। तो ये एक चलान पे दूसरा चलान कटे तो उससे होता क्या? ये इतने मेरा चलान काटा था, मेरी बुक रख के, ये बुक जो है ये कॉपी है, शायद देख ही नहीं, या वो होशियार बन रहा था उसने बुक काटी है। पिछले 3 महीने से ना, ये 3 महीने पहले से, तो अब जो भी मुझे रोकता है ये मेरी उसके बाद रखवा देता हूँ, चलान बनवा लेता हूँ। उसकी क्या वजह है यार, क्यों रॉन्ग में आ रहे हो? जल्दी के चक्कर में यहीं से ही मैं जा रहा था तो वापसी आ गया। अगर जल्दी के चक्कर में जल्दी चले जाते तो यही बात सही है, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे। मैं देख रहा था तुम वहाँ से रॉन्ग में आ रहे थे, ठीक है? नहीं तो रॉन्ग साइड का ही सारा रास्ता मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कट दिया हुआ नहीं है। यार मैंने देखा है खुद वहाँ पे कट है, आगे दुनिया भर में ऐसे ही कट होते हैं। आप अपनी जान बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर के पैसे ज्यादा दे देंगी? दे दूंगी, लेकिन वो भी गरीब आदमी है, महंगाई इतनी क्या करे, वो कट इतना लंबा है आगे जाके, अगर आप अपनी गाड़ी में भी आते तो इतना लंबा कट है। यहाँ पर इनको कट रखना चाहिए, ब्रिज डाउन ना इस तरफ। आपने इसको रोका नहीं? नहीं मैंने नहीं रोका। आपको रोकना चाहिए था? रोकना चाहिए था, लेकिन उसका रक्षा है, वो मर्जी चलाएगा अपनी। मैं क्या, अगर आप इसको ये बोलती है भाई 50 रुपए ज्यादा ले लो पर मेरी जान खतरे में नहीं डालो। जान तो खतरे में नहीं डालेगा, 50 रुपए क्यों ज्यादा दूं मैं? अब क्या करोगे आइंदा से? नेक्स्ट टाइम भी यही करेंगे जब तक कोई कट नहीं मिलेगा। जाएंगे दसंबर लालू खेत। हाँ किधर से जाओगे? यहाँ से मुड़ेंगे, ये इस वाले कट से मुड़ेंगे। तेज गाड़ी आते हुए तुम्हारे गले को और तुम्हारे इसको मार दे। हाँ तो किसका नुकसान है? नुकसान तो हमारा, मगर हम लोग हाथ दे के जाते हैं। किसको हाथ दे के जाते? ट्रैफिक को। देखो अभी सारे ट्रैफिक वाले रुक जाएंगे, हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे। और ये देखे, ये रॉन्ग में जा रहे हैं और बिला झिझक जा रहे हैं। रुकना कहाँ पे होता है? सिग्नल पे जहाँ क्रीस लगी हो वहीं रुकना होता है, जहाँ पे लाइन लगी हो यहाँ। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफसोस होने की बजाय मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या बोलूं, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं, हम मुख्तलिफ हवालों से बातें भी करते हैं। एक आदत, एक साहब ने कहा कि आदत हो गई है ऐसे जाने की, इतनी दूर कट बना दिया उन्होंने। ठीक मतलब आप छोड़ दें जो भी है सिविक सेंस को या ट्रैफिक रूल्स को, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी कितनी देर ट्रैफिक फंसी रहती है कई कई जगहों पे। और मजे की बात ये थी कि एक जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो खुद रॉन्ग वे जा रहे थे, उनको हमने जाते हुए देखा ऐसे करके। मैंने कहा था थोड़े दिन पहले कि जरा ध्यान से घूमिएगा फिरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कैमरा कहीं भी मौजूद हो। सो ये एक सिलसिला जो हमने अब शुरू किया है, मैं अब ये बता दूं कि वो कहीं भी कैमरा जो है वो आ सकता है,
मैं कोशिश ये करूंगा कि ये, क्योंकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सोशल क्राइम है ये जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं. दिस इज अ सोशल क्राइम, दिस इज नॉट पर्सनल क्राइम. ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हालात की वजह से हर कोई परेशान है. लोग चाहते हैं मैक्सिमम जितनी बचत हो सकती है वो करें, क्योंकि अगर वो 1.5 किलोमीटर की अपना क्या कहते हैं वहां से घूम के आएंगे तो उसमें पेट्रोल भी उतना लगेगा, सीएनजी भी उतनी लगेगी, और जो हालात हैं उसकी वजह से भी गड़बड़ है. इस टॉपिक पे पूरा फोरम जो है आज यहाँ मौजूद है, कुछ और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद. लेकिन जो इस चीजों से गुजर रहे हैं, जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या जिन लोगों के हाथों में कुछ थोड़ा बहुत है, वो सब यहाँ पे मौजूद है. मैं आपसे तारुफ करवाना शुरू करता हूँ. सायमा हमारे साथ मौजूद है. सायमा से आप पहले भी मिल चुके हैं. सायमा इज अ गिफ्ट रैपिंग करती हैं, वेडिंग्स के अंदर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें प्लान करके देती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रैपिंग्स बनाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, लॉ अबाइडिंग. अच्छा, ये अच्छी बात है. और ये एक अच्छी बात है. उसके साथ हमारी बिल्कुल यंगस्टर्स महा जमील, जो MBBS की स्टूडेंट है, वो यहाँ पे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम महा. वालेकुम अस्सलाम. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आप यहाँ पर हैं, भूल जाएं कैमरे लगे हुए, ठीक है? ओके. हमारे इमरान यहाँ पे मौजूद है. इमरान से आप लोगों का तारुफ रहा है. इमरान गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, उसके साथ स्टूडेंट भी हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और सिंगर बनने की इनकी ख्वाहिश है, लेकिन उसके साथ साथ एक इनकी कोशिश है कि किसी तरह से ट्रैफिक के ऊपर जो है वो थोड़ी चीजें कंट्रोल की जा सके. ADIG साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर कमर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. अब समझ में नहीं आता ADIG कहें, डॉक्टर कहें, पोएट कहें, क्या कहें? नहीं, एक ही शख्सियत में तीनों चीजें जमा हो सकती है आसानी के साथ. इतना आसान नहीं है, इसका अमली मुजाहरा मैं खुद हूं. अमली मुजाहरा तो आप हैं बेशक, लेकिन ये कमाल है वैसे. नहीं, कोई ऐसा कमाल नहीं है. कमाल साहब की शायरी भी सुनेंगे कुछ, इनकी जाती शायरी भी जो है बड़ी कमाल होती है. उनके साथ हमारे पास रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल साहब आबिद राव साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. आपसे पहले मुलाकात हुई है जी, बिल्कुल, और बहुत अच्छा रहा था उस दिन भी. आज आप फिर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमारे पास कैप्टन खालिद मौजूद है, जो के गाते भी बहुत खूबसूरत हैं और वैसे भी बड़े हैंडसम इंसान हैं. क्या बात है सर. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. नहीं नहीं सर, थैंक यू. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग शो पे तशरीफ लाए. हमारे सारे ये आज जो है मेन सेलिब्रिटीज हैं, और इनसे आज हमने ट्रैफिक के ऊपर बात करनी, तो असल फोकस जो है ना वो चूंकि वर्दी में है तो उधर ही जाते हैं सबसे पहले. सबका फोकस उधर जाएगा. हाँ कमर साहब सॉरी, लेकिन क्या करें, मजबूर नहीं है बात. मैं ये सब फेस करने ही आया. आप फेस करने हैं. अच्छा देखिए, जैसे आपने अभी देखा ये एक छोटी सी चीज, ये जो हमने पैकेज अभी चलाया था, इसमें आपने देखा कि लोग ये कह रहे थे कि पुलिस वालों को पता है, वो खड़े होते हैं और हम लोग चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता. नहीं, ऐसा नहीं होता. थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूं. हमारी शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 20 मिलियन के करीब है, और 20 मिलियन आबादी पे हमारे पास जो पुलिस के ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स मौजूद हैं वो तकरीबन 3000 है. अच्छा, इसमें वो लोग भी हैं जो छुट्टियों पे हैं और छुट्टियों से इनको वापस आना है. तो 3000 की नफरी के साथ आप 20 मिलियन को अगर डिवाइड करते हैं तो पर 6000 एक ऑफिसर या ऑफिशियल आपको अवेलेबल होता है. अच्छा, हम स्पेसिफिकली इस वक्त कराची की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर या मैं बाकी शहरों की अगर बात करूं, इस्लामाबाद की, बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूं, क्वेटा में ट्रैफिक का वाकई बहुत प्रॉब्लम है, पेशावर में भी बहुत. बिल्कुल, मैं भी वही बात कर रहा हूं कि मेरा एक फर्ज है. हाँ, सुपर एलोकेटरी तो सारी बातें हम नहीं. एग्जैक्टली, लाहौर की अगर मैं ट्रैफिक देखता हूँ, लगता ही नहीं है मुझे कि मैं पाकिस्तान में ड्राइव कर रहा हूँ जी. अब मैं इस्लामाबाद में ड्राइव करता हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इस्लामाबाद में, मतलब पाकिस्तान में हूँ. मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, लोगों को बुरी लगेगी मेरी ये बात, क्योंकि जब हम कराची में ड्राइव करते हैं तो फील आती है आप पाकिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं यार, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है. कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम भी कंसिडर करना पड़ेंगी. मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है यहाँ पे. एक तो पहली बात कि आपके यहाँ डेली जो रजिस्टर्ड गाड़ियां रोड पे आ जाती है वो तकरीबन 570 to 600 है डेली रजिस्टर्ड व्हीकल्स. यार कमर भाई, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जैसे अभी आपको पता होगा जो डिफेंस के अंदर एक रोड है वो जाने का कर दिया और एक आने का कर दिया, ठीक है. पुलिस वहां पे सबसे ज्यादा पुलिस मौजूद होती है. सऊदी एम्बेसी के बाहर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं. फिर उसके बाद खड्डा मार्केट पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए. फिर उसके बाद 26 स्ट्रीट पे पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि मिर्जा साहब का घर भी है साथ ही, अपना 26 से पहले
वहां पे भी पुलिस वाले खड़े हुए, ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए। अच्छा वहां पे गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, वहां पे कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, हालांकि सिग्नल्स बंद हो चुके हैं, विच इज अ साइन के भाई वो आने की नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा बाहर में जाओ, हम लोगों ने नहीं सुनना, पुलिस उसको इन्फोर्स नहीं कर रही। मैं पूरी मैं अपनी मारूजात पहले पेश कर दूं। अच्छा एक फैक्टर मैंने बताया कि डेली जो रोड से गाड़ियां आती हैं वो 570 to 600 आपकी आती हैं, उसके बाद आपकी आबादी है सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड अगर कोई शहर है आपके मुल्क में तो वो कराची है। बिल्कुल, तो पॉपुलेशन में रोज ब रोज इजाफा, नंबर ऑफ व्हीकल्स डेली आपके एंटर हो रही है 600, उसके बाद आपके जो रोड्स हैं रोड्स की लेंथ वही है, कुछ इजाफा हो जाता है, कोई फ्लाईओवर कहीं बन गया, कहीं कुछ इजाफा हो गया, उसके अलावा रोड्स आपके पास तकरीबन उनकी लेंथ में कोई खास खातिर खास इजाफा नहीं हो रहा। चौथा फैक्टर यह है कि पूरी दुनिया में जो कॉस्मोपोलिटन सिटीज होते हैं, जैसे हमारा अपना शहर है कराची, उसमें अल्टरनेट वेज होते हैं कम्यूटर्स के लिए कि वो आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। वो तो सर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, मेरी अर्ज मोटरसाइकिल वगैरह को मैं नहीं कह रहा, वो भी तो रोड पे ही चलेगी ना। ऑल्टरनेट वेज से मुराद ये है कि सर्कुलर रेलवे और अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है, उसमें लोग बैठते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। सर मैं तो जैम की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि ट्रैफिक जाम, मैं तो सारे फैक्टर्स सर मैंने देखे, मैंने भी दुनिया देखी है, ठीक है, मैंने लंदन के अंदर कंजेशन भी देखा है, मैंने मलेशिया के अंदर भी देखा है, मैंने अमेरिका में भी देखा है, मैं दुनिया में मैं फिर चुका हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका हूं, मैंने कंजेशन देखी है, ठीक है, ट्रैफिक जैम्स देखे हैं मैंने। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रैफिक जैम्स, दुनिया भर में होते हैं, जब आप सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं उस वक्त ट्रैफिक जैम्स होते हैं। देखिए ये सारे फैक्टर्स सिर्फ ट्रैफिक जैम को उसके लिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, उन सब ये सब आपस में इनका रिलेशन है, इंटरलिंक्ड है सर। लेकिन बात ये है कि जो एक ट्रैफिक रूल फॉलो करने वाली मैं बात, उसको मुझे अस्त करने दीजिए आप। अच्छा ये सारे फैक्टर्स जब आपके यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद आपकी नफरी कम है, ठीक है ना, ये 5-6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो तकरीबन हर चीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कम्यूटर्स की तादाद कम होगी, गाड़ियां रोड्स पे कम होंगी, तो लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो मैं इसको नहीं कहूंगा मैं, ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन में भी कमी आएगी, ऑब्वियसली हमारे ज्यादा नफरी मौजूद होगी कंपैरेटिवली कम लोगों के लिए, लेकिन हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इन सब चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके पास अल्टरनेट वेज होंगी, आपके पास कम गाड़ियां आपकी रोड पे आएंगी, लीजिंग का फिर लीजिंग ने लोगों के लिए बड़ा एक्सेसिबल कर दिया, जहां एक घर में 4 लोग अफोर्डिंग है तो चारों की चार के पास गाड़ियां। सर लीज बस वाले का क्या ताल्लुक है, वो क्या कि उसके पास हर लेन में घुस जाता है, जहां दिल करता है रोक देता है, उसका लीज से क्या ताल्लुक है? नहीं एक अर्ज कर देते मुझे, उसके लीज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें ये हम उसके ऊपर हमारे पास चालान मौजूद है, बेतहाशा चालान होते हैं। एक प्रॉब्लम और है जो शायद मैं अर्ज नहीं कर सका, वो ये कि हमारे चालान का अमाउंट जो है, जो फाइन हम इन्फ्लिक्ट करते हैं, वो साइजेबल नहीं है। This is my point. अगर एक रूल वायलेट करने वाले को ये पता होगा कि उसकी आधी तनख्वाह जो है वो चली जाएगी चालान इन्फ्लिक्ट होने के बाद, पूरी दुनिया में ये होता है कि बड़ा साइजेबल अमाउंट होता है एक चालान के बाद, सिर्फ उसी को एक रत्न 120 आराम से इफेक्ट इतना ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि सारे लोग उसको इबरत पकड़ते हैं, यार इसकी तो आधी तनख्वाह चली गई, हम बचाए $100 का चालान है, तो उसमें फिर जो उसमें किरदार आ जाता है वो लेजिस्लेटर्स का किरदार आ जाता है, लॉ मेकर्स का किरदार आ जाता है, हम उसमें अपनी सजेशंस उनको भेजते हैं। इमरान ये पॉइंट ऑफ व्यू है एक पुलिस वाले का जी, एक आम शहरी, चूंकि आप दोनों एज आम शहरी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप भी अब आम शहरी के तौर पर, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तुम्हारी तरफ मैं आता हूँ, दोनों की तरफ जी। देखिए इन्होंने तो जो स्टेटमेंट दी है उसका असल इशू से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है वो बेहिसी जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की है। आपके सीनियर लीडरान सीनियर वजीर गाड़ियों पे काला शीशा चलाते हैं जब उसकी इजाजत नहीं है, जब एक पुलिस ऑफिसर रोकता है तो उसकी सजा के तौर पे पोस्टिंग गलत जगह कर देते हैं। आपके यहाँ रोड फिटनेस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप बसों को देखें जिनकी ब्रेकें ठीक नहीं है, जिनके पास लाइटें नहीं है, बारिश यहाँ कम होती है लेकिन बारिश हो जाए तो वाइपर नहीं होंगे। इंटरप्ट कर रहा हूँ, व्हीकल्स में कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद नहीं है कि पब्लिक व्हीकल कितनी पुरानी हो तो उसको हम ऑफ रोड कर दें।
रूल्स मौजूद हैं, इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट इंप्लीमेंटेड। हर साल गाड़ी को एक फिटनेस टेस्ट चाहिए होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी एज है, उसकी कंडीशन है, वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये मसले हैं, अवाम वैसे बेहिस है, सेफ्टी इज नॉट देयर इशू। मेरा एयरफोर्स में 32 साल जब रहा, एज ए नेशन हम सेफ्टी कॉन्शियस नहीं है। हमारे पीआईए की फ्लाइट में अगर आप देखें, एयर होस्टेस इज नॉट कंसर्न के सबने सीट बेल्टें बांध दी हैं, पैसेंजर्स आर नॉट कंसर्न। हालांकि बेचारी एमिरेट्स पे जाए, दूसरी एयरलाइंस पे जाए, वो आके जबरदस्ती आपको सीट बेल्ट बांधवा दे, मेक श्योर दैट यू डू दैट। नहीं, हमारे वाले तो कह नहीं देते, इससे क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर ये दोनों साइड पे है। मैं फ्रांस में रहा, वहां पे बच्चों को नर्सरी से सिखाना शुरू करते हैं ट्रैफिक रूल्स, हाउ टू क्रॉस अ रोड। सर आप बात कर रहे हैं जो मैं पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने से पढ़ा, स्कूल में वो नहीं है। नर्सरी रैंक अच्छा मौजूद है इनके यहाँ, फिर आप बगैर ड्राइविंग स्कूल के गए हुए इंग्लैंड में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। Exactly. आपको ट्रैफिक रूल्स कौन सिखाएगा कि इस रोड साइन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मैं वैसे बेस कमांडर, एक दफा मैंने अपने एयरफोर्स के ड्राइवर्स का टेस्ट लिया, 99% फेल्ड ऑन रीडिंग द रोड साइंस, 1% वो बचे थे जो उस दिन एबसेंट थे। इट इज अ फैक्ट, हमारे यहाँ एवरीबॉडी लर्न्स ड्राइविंग बाय एक्सीडेंट। गाड़ी की चाबी चुरा ली, अब्बा सो रहे हैं, अम्मा सो रहे हैं, गाड़ी लेके बाहर निकल गए, सड़क पे इस तरह आप सीखते हैं। आपको लाइसेंस चाहिए, मैंने यहाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी का हाल देखा, कराची का ऑफिस फिर भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे बगैर ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग टेस्ट फेल हुओं को मिलता है लाइसेंस। आप इतनी बसें चल रही हैं, ये माजदा कोचेज हैं, दूसरी हैं, यहाँ पे इनको देख लें, आप ड्राइवर को सुबह देखें, आई डोंट थिंक 90% प्लस ऑफ देम हैव लाइसेंस। और अगर लाइसेंस है वो जारी होगा, वो किसी ऐसे रिमोट एरिया का होगा, कराची पुलिस कैन नॉट वेरीफाई। हेलमेट आप पहना के देख लें आप। सर हेलमेट का तो इशू ये कहते हैं कि वो चोरी हो जाता है। नहीं नहीं, अभी हमने हेलमेट के ऊपर कैंपेन अपनी, वो कैंपेन आपकी साल में 15 दिन क्यों चलती है? आपके आपके तवस्सुत चार्ज करना चाहता हूँ कि अब जो हमारी कैंपेन है वो गोल ओरिएंटेड है, और हमारा गोल ये है कि हम 100% कंप्लायंस जब तक नहीं होगी हम ये अपनी कैंपेन। आई एम विद यू इस बात पे, और मैं ये बताता हूँ कि 100 हेलमेट मैं अपनी तरफ से दूंगा, और बताएं मैं यहां से दूंगा 100 हेलमेट। आप कैंपेन चलाएं, कैंपेन चल रही है, और उसमें अभी तक अबाउट 60,000 चालान हो चुके हैं। ठीक है, उसमें हमारा एम्फेसिस ज्यादा, मैंने तो कहीं नहीं देखा अभी तक। नहीं, उसमें बिल्कुल आपको ये बताया हुआ। चले मैं छोटी सी बात कहता हूँ, मैं आप लोगों से भी सवाल करता हूँ। आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गिरे बाइक से, आपकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, सर फट गया, हाथ जुड़ जाएगा, पांव जुड़ जाएगा, गर्दन जुड़ जाएगी, सर सुनती है, हर चीज जुड़ जाएगी, ये चीज फारिग है। तो सिर्फ थोड़ी सी, और फिर हम यही अवेयरनेस 15 लोग आपने बाइक पे बताया, हम हर मैं जहां भी मीडिया पे जा रहा हूं वहां हमारा एक ही, हम एक पॉइंट लोगों के सामने हम फ्लोट कर रहे हैं कि भाई देखिए बात यह है कि आप सिर्फ अकेले नहीं है, हमारा मेल मेंबर ही घर के लिए लेवलीवुड कमाता है, तो आप अकेले नहीं होते, आपसे आपका पूरा घर वाबस्ता है। तो अगर आप अपनी जान की परवाह नहीं है तो कम से कम अपने घर वालों की जान की परवाह करें। ये तो सोचिए आपके बाद भी तो घर पे, फिर हमारा पूरा मुल्क इससे नुकसान हमें होता है कि हमारा एक बहुत कारगर उस जो है वो अगर दुनिया से चला जाता है तो हमारा अपना नुकसान। देखिए ये इशू मोरालिटी का है कि आप उसको कन्विंस करें, एक रोल डंडे का भी है, वो इस मुल्क में नहीं है। यही जब पठान ड्राइवर यूएई में जाता है, इससे ज्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं है। यही हमारे लोग इंग्लैंड में जाते हैं, खौफ आपके पास, वही यहाँ पे नहीं है। आज करो हमारे पास चालान 76 हर कौम के लिए जरूरी होता है, जहां तालीम की कमी हो, जहां खौफ ना हो आपको कि आप जुर्म तोड़ेंगे। और हमारे पुलिस वाले भी तो बहुत लीनियंट है, देखे मोड़ा नहीं दे रहे, वो करके रुक जाते हैं, कहीं में चाहिए बुजुर्ग हैं।